अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ठीक, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ था। तो लास्ट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जैसा कि यूनिट वेट क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, और डेंसिटी से रिलेटेड और यूनिट वेट से रिलेटेड कुछ और भी पढ़ा हुआ, जैसे मास डेंसिटी क्या है, सॉलिड डेंसिटी क्या है, ड्राई डेंसिटी क्या है, एक ड्राई यूनिट वेट क्या है, एक वाटर कॉन्टेंट क्या है, प्लस लास्ट में हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे सेचुरेशन रेशियो, डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस आर, वाइट रेशियो ई, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, वाटर कंटेंट डब्ल्यू में संबंध। ठीक, लास्ट में हम लोग चल रहा था, मैंने इसको पूरा ड्राइव भी करवाया हुआ था, बट हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में ना आया हो, चलो ठीक है, आज दोबारा से बता देता हूँ कि कैसे उसको हम लोग ड्राइव करेंगे। ओके, याद देखना, और जिन लोगों को नोट्स बनाना हो तो नोट्स साथ में ही बनाते जाए, तो फिर स्क्रीन शॉट ले लें और बातें बना लें। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक क्या था, वाइड रेशियो कॉमा वाटर कंटेंट डब्ल्यू डिग्री ऑफ सेचुरेशन डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी कैपिटल जी में संबंध। ठीक, कल लास्ट में हम लोगों ने ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ था। ठीक, क्या था हमारा, वाइड रेशियो मीन्स रिक्तता अनुपात ई, जलांश डब्ल्यू, डिग्री ऑफ सेचुरेशन मीन्स संतृप्ति मात्रा एस, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब विशिष्ट गुरुत्व कैपिटल जी में संबंध हमें स्थापित करना है। हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था, किस बेस पे बताया हुआ था, कि हम लोग जानते हैं कि डिग्री या सेचुरेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एस बराबर वी डब्ल्यू अपॉन वी वी। ठीक, यहाँ पे हमारा वी डब्ल्यू क्या है, लिख लो वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक, वीवी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। ओके, मैं यहाँ सबसे पहले आप लोग कुछ और भी फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ। इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ई बराबर ई, यहाँ पे क्या है वाइड रेशियो, ई का फॉर्मूला क्या था, VV अपान VS। ठीक, यहाँ पे हमारा VS क्या था, लिख लो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक, कौन से सॉलिड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सॉयल सॉलिड की। ठीक, जिनको हिंदी में लिखना हो तो हिंदी वाले से लिख सकते हैं, इसमें लिख लो जल का आयतन में क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान का आयतन इधर क्या हो जाएगा, मृदा ठोस कणों का आयतन।
आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये फार्मूले बार बार डेली डेली क्यों रिपीट करते हैं, ठीक, वो मैं इसलिए करता हूँ कि जिससे देखिए जितनी बार आप लोग फार्मूले को लिखेंगे फार्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक, इसलिए बार बार मैं सेम फार्मूले को बार बार लिखता रहता हूँ, जितनी बार आता है उतनी बार मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी मैं बोलता हूँ उसको यहाँ पे लिख दूँ। अब देखो हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है, मीन्स ड्राइव करना है, ठीक। तो हम लोगों ने फार्मूला अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, एक फार्मूला हम लोग ये जानते हैं, कौन सा फार्मूला, ई मीन्स वाइट रेशियो इक्वल टू वी वी अपॉन वी एस, ओके। दूसरा फार्मूला हम लोग ये जानते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी एस बराबर वी डब्ल्यू अपॉन वी वी, ठीक। कल जब हम लोगों ने प्रूविंग की थी तब हम लोगों ने ये वाला फार्मूला लिया हुआ था, फर्स्ट वाला। हम चाहे तो इसको लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें मैंने देखा हुआ था कि थोड़ा टफनेस का जो रेशियो था कुछ ज्यादा ही था, जिसकी वजह से आप लोगों को समझ में नहीं आया हुआ था, ठीक। यह हो सकता है कुछ लोगों को आ भी गया हो, बट आज हम लोग जो करने वाले हैं, आज हम लोग जो सेकेंड वाला फार्मूला है ये ई वाला मीन्स वाइड रेशियो का, इस फार्मूले का यूज करके इसको प्रूफ करेंगे, ठीक। देखो हमें रिलेशनशिप निकालना है, संबंध निकालना, हम किसी भी फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं, बस इतना याद रहे कि हमें जिस टर्म में यानी जिसमें संबंध निकालना है वो टर्म उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे उसमें ई होना चाहिए, डब्ल्यू होना चाहिए, एस होना चाहिए और जी होना चाहिए, ठीक। बस ये चारों टर्म हमारे याद आए तो इससे हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारा यहाँ पे चारों में संबंध हम लोगों ने स्थापित कर लिया। तो हम लोग सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे ई बराबर वी वी अपान वी एस, ठीक। अब ध्यान देना यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो हम लोगों को जब प्रूविंग करनी होती है तो हम लोग कुछ अपने आप से उसमें से जोड़ते हैं या घटाते हैं, ये तो गुणा करते हैं या भाग करते हैं, मीन्स ये तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी कुछ वैसा ही करेंगे, क्या करेंगे तो देख लो यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ, ठीक, मतलब अंश में और हर में, ठीक, अंश और हर में वी डब्ल्यू का मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब बताइए जरा, जब मैंने अंश और हर में दोनों में क्या किया, वी डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करवाया, तो क्या कुछ डिफरेंस आया, ठीक। जब हम लोग सेम नंबर का या सेम का ठीक अंश में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, सेम का उसी का हम लोग क्या करते हैं जो हर होता है उसमें मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो क्या कुछ चेंज होता है, नहीं चेंज होता, क्योंकि ये VW से VW हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब जरा थोड़ा सा ध्यान देना, इसी से मैं कुछ आगे फार्मूला बनाऊंगा, क्या फार्मूला बनेगा तो देखते हैं हम लोग कि इससे आगे हमारा क्या फार्मूला बनेगा। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़िए, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देखना हमारा क्या बन जाएगा, इसको हम लोग कर लेते हैं VW अपॉन VS इनटू VV अपॉन VW। अच्छा ये बताइए, अभी मैंने जो फार्मूला यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे लिखा हुआ था, क्या उसमें कुछ चेंजमेंट किया, तो नहीं सर, हमने कुछ चेंजमेंट नहीं किया हुआ, बस थोड़ा सा यहाँ पे आगे पीछे उसे किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे लिखो यहाँ पे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, अब हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, लिखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन मीन्स एस इक्वल टू डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस इक्वल टू वी डब्ल्यू डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस इक्वल टू वी डब्ल्यू अपॉन वी वी, ओके सर। अभी तो आपने पढ़ाया हुआ था कि एस बराबर वी डब्ल्यू अपॉन वी वी, तो ठीक है, जब हम लोग ये फार्मूला जानते हैं तो अब सेम इसी प्रकार से जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, क्या ऐसा कुछ टर्म बन रहा है क्या, जो हम लोगों ने अभी ये फार्मूला बनाया हुआ था इसमें ऐसा कोई टर्म आ रहा है क्या, जरा यहाँ पे हम लोग गौर करते हैं, यहाँ पे नजर डालते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस टर्म में यहाँ पे वी वी अपान वी डब्ल्यू आ रहा है, मतलब जस्ट इसका इनवर्स आ रहा है। जब इसका इनवर्स आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वन अपान एस इक्वल टू वी वी अपान वी डब्ल्यू, ओके सर। अब तो ये हमारा सेम हो गया, जब ये सेम हो गया तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, जब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बराबर वी डब्ल्यू अपॉन वी एस इंटू वन अपॉन एस, ठीक है, इतना तो हमारा आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे एस है
एस का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब एस का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू एस बराबर वी डब्ल्यू अपॉन वी एस। ठीक है सर, इतना तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि हमारा ई एस बराबर वी डब्ल्यू अपॉन वी एस आ गया। इसके आगे क्या करेंगे सर, तो इसके आगे देखिए हम लोगों ने क्या यहाँ पे प्रूव किया, ई एस बराबर वी डब्ल्यू अपॉन वी एस। अब जरा थोड़ा सा अपने आप से गेस कीजिए, क्या वी डब्ल्यू और वी एस से रिलेटेड हम लोग कुछ फॉर्मूले जानते हैं क्या? हाँ हम लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं, अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ था, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया हुआ था कि जो हमारा यूनिट वेट होता है, यूनिट वेट, ठीक, मैं यहाँ पे बात किसे कर रहा हूँ, एकांक भार मतलब यूनिट वेट की बात कर रहा हूँ, यूनिट वेट की बात कर रहा हूँ। ठीक, जब यूनिट वेट की यहाँ पे बात हो रही है तो यदि हम लोग यूनिट वेट का यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, गामा इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी। ओके सर, ये तो आपने कल बताया हुआ था हमें फार्मूला, यूनिट वेट जो हमारा फार्मूला होता है क्या होता है, गामा इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी, और यहाँ पे डब्ल्यू हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा वेट, ठीक, और जहाँ पे वी होता है, वी हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो जरा ये बताइए कि इससे रिलेटेड हम कुछ यहाँ पे फॉर्मूले बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गामा एस निकाल लो, ठीक, गामा एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे गामा एस का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे डब्ल्यू एस, ये भी मैंने कल बताया हुआ था, जो हमारा सॉलिड के लिए, सॉलिड के लिए यूनिट वेट था वो क्या था, गामा एस इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन वी एस। ओके सर, एक फार्मूला तो हमारा ये हो गया, अब आगे क्या करेंगे, तो दूसरा फार्मूला हम लोग इससे ये बना सकते हैं, कौन सा बनाएंगे, अब यहाँ पे देखो ऊपर वी डब्ल्यू टर्म आ रहा है, जब इधर पे हमारा टर्म क्या आ रहा है, वी डब्ल्यू आ रहा है, तो हमें अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे वी एस था, तो वी एस से रिलेटेड हमने एक फार्मूला यहाँ पे बना लिया, ठीक, अब दूसरा टर्म यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, वी डब्ल्यू आ रहा है, वी डब्ल्यू से रिलेटेड भी हम लोग फार्मूला बनाएंगे, तो इसका भी यूनिट वेट से फार्मूला बना लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इक्वल टू वी डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू अपॉन गामा डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू। ओके सर, ये भी हमारा फार्मूला हो गया। एक आपने फार्मूला किसका बनाया कि जो यहाँ पे हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर था, तो ये हमारा फार्मूला किसका है, जो सेकंड वाला है, ये फार्मूला है हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर का, देख लो यहाँ पे जो गामा डब्ल्यू है, गामा डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे है यूनिट वेट ऑफ वाटर। ओके, जो यहाँ पे ये वाला फार्मूला है फर्स्ट वाला, ये फार्मूला हमारा किसका है, ये फार्मूला है हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे दो अलग अलग फार्मूले बनाए। किस फार्मूले का यूज करके, सिर्फ हमारे पास एक ही फार्मूला था, वो फार्मूला कौन सा था, यूनिट वेट इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला क्या था, यूनिट वेट इक्वल टू गामा इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी मीन्स वेट अपॉन वॉल्यूम। इस फार्मूले का यूज करके हमने यहाँ पे दो फार्मूले अलग अलग बना लिए। सर हमने ये फार्मूले क्यों बनाए, तो ये फार्मूले हम लोगों ने इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टर्म आ रहा है, एक टर्म हमारा वी डब्ल्यू आ रहा है, दूसरा टर्म हमारा वी एस आ रहा है, और इनको हमें कैंसिल करके क्या करना है, इनको हमें कैंसिल करना है। ठीक है सर, जरा वी डब्ल्यू अपॉन वी एस की वैल्यू इन दोनों का यूज करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखना यहाँ पे, इसको मान लो ये क्वेश्चन नंबर हमारी फर्स्ट थी और ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड था। ठीक, इन दोनों का यूज करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वी डब्ल्यू अपॉन वी वी की वैल्यू, सॉरी वी डब्ल्यू अपॉन वी एस की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे देखो हमें वी डब्ल्यू
वी डब्ल्यू अपन वी एस की जब वैल्यू निकालनी है तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे कि वी एस इज्वल टू सबसे पहले फर्स्ट वाले से देखो हम लोग कैसे बना सकते हैं, वी एस इज्वल टू डब्ल्यू एस अपान गामा एस, डब्ल्यू एस अपान गामा एस। ठीक है सर, आपने ये वी एस की वैल्यू निकाल ली, इसी प्रकार से यहाँ पे इससे वी डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लो। वी डब्ल्यू की वैल्यू इससे सेकंड वाले से हमारी कैसे निकाल आएगी, तो वी डब्ल्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू अपान गामा डब्ल्यू। यहाँ पे देखो वी डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू अपान गामा डब्ल्यू। ओके सर, ये तो आपने यहाँ पे निकाल लिया इनकी वैल्यू, ये ऐसे आ गई। ठीक, अब क्या करेंगे, हमें चाहिए इनका रेशियो, किसका रेशियो, वी डब्ल्यू अपान वी एस का। तो देखो जरा यहाँ पे जब हम लोग वी डब्ल्यू अपान वी एस का रेशियो निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू अपान वी एस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू अपान गामा डब्ल्यू ठीक इंटू डब्ल्यू एस इंटू गामा एस। ठीक हो जाएगा, मैंने यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थी ठीक इन्हीं इक्वेशन का यूज करके इनको इक्वेशन मान लो या इनको फॉर्मूले मान लो, इन दोनों को मैंने आपस में डिवाइड कर दिया। यानी हमें किसका रेशियो चाहिए था, हमें रेशियो चाहिए था वी डब्ल्यू अपान वी एस का, तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो ऊपर वी डब्ल्यू है यानी वी डब्ल्यू, हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, डब्ल्यू डब्ल्यू अपान गामा डब्ल्यू। वी एस है तो वी एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, डब्ल्यू एस अपान गामा एस दे रखी है। ठीक है सर, इतना तो यहाँ पे दे रखा हुआ। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, तो हम लोगों ने देखो पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि जो हमारा हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, जो हमारा वाटर कंटेंट होता है मीन्स डब्ल्यू, वो डब्ल्यू का फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस। ओके सर, हम लोगों ने ये फार्मूला भी पढ़ा हुआ है। दूसरा हम लोगों ने एक फार्मूला और पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ वो फार्मूला, स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स कैपिटल जी का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा था सर फार्मूला इसका, लास्ट क्लास में मीन्स कल की क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था, जिससे कल का लेक्चर ना देखा हो, लेक्चर अटेंड ना कर पाया हो तो लोग देख ले, यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है प्लस इसमें भी पढ़ा हुआ है। ठीक, और मैंने ग्रुप पे उनकी जो स्क्रीन शॉट थे वो शेयर करवा दिए हुए थे इसीलिए कि आप लोग उससे पढ़ सकें। ठीक, तो हम लोगों ने स्पेसिफिक ग्रेविटी कैपिटल जी का फार्मूला क्या पढ़ा हुआ था, गामा एस अपान गामा डब्ल्यू। ओके सर, ये भी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो ये जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स बन रहे हैं क्या, बिल्कुल सर यहाँ पे हमारे टर्म्स बन रहे हैं। कौन कौन सा टर्म यहाँ पे बन रहा है देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन कौन सा टर्म बना। एक तो देखो डब्ल्यू डब्ल्यू अपान डब्ल्यू एस, ठीक, जिससे हमारा क्या बन गया, इससे हमारा बन गया क्या, वाटर कॉन्टेंट डब्ल्यू बन गया। ठीक है सर, दूसरा क्या बनेगा, तो दूसरा देखो जरा, दूसरा हमारा क्या बन रहा है, गामा एस अपान गामा डब्ल्यू, यानी गामा एस ठीक अपान गामा डब्ल्यू। ये हमारा किसका फार्मूला है सर, ये तो फार्मूला हमें जी का लग रहा है, जी यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ओके सर, इनको आपस में हम लोग क्या कर लेते हैं, वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक, जब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वी डब्ल्यू अपान वी एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। ठीक, वी डब्ल्यू अपान वी एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। और हमें चाहिए क्या था, देखो हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रूव किया हुआ था, कितना प्रूव किया हुआ था कि ई इंटू एस बराबर वी डब्ल्यू अपान वी एस, और अभी हम लोगों ने वी डब्ल्यू अपान वी एस की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है, तो वी डब्ल्यू अपान वी एस की वैल्यू कितनी आई है, डब्ल्यू इंटू जी आई है। यही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो तो डब्ल्यू इंटू जी, ये हमारा क्या आ गया, यही हमारा प्रूव हो गया। ठीक, यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी कि इसमें हमें किसमें किसके बीच संबंध चाहिए था, ई एस डब्ल्यू और जी, ई एस डब्ल्यू और जी के बीच में हमें संबंध चाहिए था, वो संबंध हम लोगों ने यहाँ से स्थापित कर लिया। सिर्फ हमें करना क्या है, एक बार दोबारा से फिर देख लो आप लोग फार्मूले, सिर्फ हमें यहाँ पे कितना फार्मूला मालूम होना चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ पे जो वाइड रेशियो हमारा ई होता है, ई का फार्मूला मालूम होती है कि हमारा क्या होता है, ई बराबर वी वी अपान वी एस होता है।
ओके सर, ये तो हम लोगों को मालूम है। इसके बाद फिर हमें सेकंड स्टेप क्या करनी है, हमें वी डब्ल्यू का अंश और हर में गुणा करवा देना है। ठीक है सर, हमने यहाँ पे गुणा करवा दिया। गुणा करवाने के बाद जो हमारी सेकंड स्टेप होगी, उस सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि वी डब्ल्यू अपान वी एस, यानी वी डब्ल्यू अपान वी एस, इसको एक अलग टर्म बना लो। इसके बाद जो हमारा जो शेष बचता है, शेष हमारा क्या बचेगा, वी वी अपान वी डब्ल्यू बचेगा, उसको अलग रहने दो। ठीक है सर, हमने उसको कर दिया। अब हम लोग क्या जानते हैं, डिग्री ऑफ सेचुरेशन का फार्मूला, वी नो दैट, ये हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, एस बराबर वी वी, एस बराबर वी डब्ल्यू अपान वी वी, ये हम लोग जानते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो हमें मिला है वो हमें क्या मिला है, ये मिला है, ये हम लोगों को क्या मिला हुआ है, वी वी अपान वी डब्ल्यू मिला हुआ है। जब हमें ये वी वी अपान वी डब्ल्यू मिला हुआ है तो इसको हम क्या कर देंगे, इन्वर्स कर लेंगे। जब इन्वर्स करेंगे यानी वन अपान एस इक्वल टू वी वी अपान वी डब्ल्यू, और ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू हमने यहाँ पे उठा के इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दिया, ये हमारा क्या आ गया, वन अपान एस आ गया। ठीक, अब ये हमारा टोटल क्या बन गया, ये ओवरऑल हमारा यहाँ पे अभी तक बना हुआ है ई बराबर वी डब्ल्यू अपान वी एस इन टू वन अपान एस, और इस एस का क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। जब इस एस का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमें यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला क्या है, ई इंटू एस बराबर वी डब्ल्यू अपान वी एस। ठीक है सर, इतना तो ये फार्मूला बन गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बाद आगे यहाँ पे ये वाली प्रोसेस देखो, हम लोगों ने अभी तक क्या बनाया हुआ था, हमारा जो फार्मूला यहाँ बना हुआ है ई इंटू एस बराबर वी डब्ल्यू अपान वी एस। ओके सर, अब हमारा यहाँ पे वी डब्ल्यू आ गया है और वी एस आ गया। वी डब्ल्यू क्या है, वी डब्ल्यू हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वी एस क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मीन्स वी डब्ल्यू मीन्स जल का आयतन तथा मृदा में उपस्थित ठोस कणों का आयतन, ये हमारा वी एस है। ठीक, जो कि मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को बताया भी हुआ था, वी एस हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक, इतना हमने निकाल लिया। फिर इसके बाद हम लोग फार्मूला यहाँ पे क्या जानते हैं, यूनिट वेट का फार्मूला जानते हैं। हम लोगों ने यूनिट वेट के टर्म में क्यों बनाया, तो हम लोगों ने इसे यूनिट वेट के टर्म में इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि हमें W और G चाहिए। ठीक, W और G जब हमें प्रूविंग करनी होती है तो हमें कुछ अपने आप से भी थोड़ा सा अपना IQ लगा के हमें क्या करना होता है, डेरिवेशन करना होता है। तो हमें क्या चाहिए, W और G चाहिए। तो W और G के लिए हमने इनको आपस में चेंज कर लिया। कैसे चेंज कर लिया कि हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, गामा एस इक्वल टू डब्ल्यू एस अपान वी एस। हम लोग एक फार्मूला ये जानते हैं, दूसरा फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, डब्ल्यू गामा डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू अपान वी डब्ल्यू, हम लोग सर ये फार्मूला भी जानते हैं। अब जरा इन दोनों से हमें किसका किसका रेशियो चाहिए, तो हमें चाहिए वी डब्ल्यू और वी एस का रेशियो चाहिए। ठीक, जब हमें वी डब्ल्यू और वी एस का रेशियो चाहिए तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि पहले वी एस की वैल्यू निकाल ली। जब इससे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वी एस की वैल्यू निकालेंगे तो वी एस की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, तो देख लो यहाँ पे वी एस बराबर हमारा निकल आएगा, यहाँ पे क्या निकल आएगा, डब्ल्यू एस अपान गामा एस। इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर सेकंड से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वी डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब इस वी डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे तो वी डब्ल्यू की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी, तो वी डब्ल्यू की वैल्यू आएगी वी डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू डब्ल्यू अपान गामा डब्ल्यू। ओके सर, इतना तो हमारा आ गया कि वी डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू अपान गामा डब्ल्यू। ठीक, हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ पे चाहिए वी डब्ल्यू अपान वी एस की वैल्यू, यानी वी डब्ल्यू मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर अपान वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉलिड, इनकी वैल्यू चाहिए। तो इनको आपस में डिवाइड करके हम लोग इससे ये वैल्यू निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग कुछ फार्मूले और जानते हैं। कुछ फार्मूले क्या जानते हैं, जब हम लोगों ने इनको आपस में डिवाइड किया तो हमारा कुछ इस प्रकार से ये संबंध बन गया। ठीक, इस प्रकार से हमारा ये संबंध बन गया। और इस संबंध में देखो यहाँ पे हमारा एक फार्मूला बन रहा है वाटर कंटेंट W का, और W का हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, W W अपान डब्ल्यू एस। तो यहाँ पे देखो W W अपान डब्ल्यू एस से हमारा W हो गया, और गामा एस अपान गामा W, ये हमारा फार्मूला किसका होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का होता है, मीन्स कैपिटल G का होता है। तो उसको हमने जगह कैपिटल G यहाँ पे रख दिया। ठीक है, जब हमारा ये आगे क्या आ गया, यहाँ पे वी डब्ल्यू अपान वी एस बराबर W इंटू G आ गया, तो ये वैल्यू उठा के हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ जब पुट करने के बाद तुम्हारा लास्ट में पूरी फाइनली प्रूविंग हमारी क्या हो गई, फाइनली प्रूविंग हमारी ये हो गई कि ई एस बराबर डब्ल्यू जी, और ये हम लोगों ने प्रूव किया जो हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक, यही हमारा क्या है, इसी को लिख लो प्रूव दैट। ठीक,
यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी, मतलब यही संबंध हम लोगों को स्थापित करना था, ठीक, जो कि कल की क्लास में भी हम लोगों ने इस सेम डेरिवेशन को डिस्कस किया हुआ था और पूरा ड्राइव भी करके मैंने बताया हुआ था। बट बात यह थी कि वहां पे मैंने क्या किया हुआ था, जो एस की वैल्यू है, मीन एस का फॉर्मूला है एच बराबर वी डब्ल्यू अपॉन वी वी, एच बराबर वी डब्ल्यू अपॉन वी वी, उस फॉर्मूले का यूज करके मैंने यहाँ पे ड्राइव किया हुआ था। बट आज मैंने क्या किया, आज मैंने ई बराबर वी वी अपॉन वी एस, मीन्स वॉल्यूम ऑफ वायर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे प्रूविंग की हुई है, ठीक। ये डिपेंड करता है अपने ऊपर कि आप लोग किस किस फॉर्मूले का यूज करके वहां पे प्रूविंग कर सकते हो, क्योंकि हमें लास्ट में फाइनली प्रूव क्या करना था, हमें फाइनली प्रूव करना है कि E into S बराबर W into G, ठीक, ये हम लोगों को प्रूव करना था। और यहाँ पे देख लो किस टर्म को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो E हमारा यहाँ पे क्या है, E है यहाँ पे, E है वाइड रेशियो, ठीक, एस क्या है, एस हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, डब्ल्यू है हमारा वाटर कंटेंट, और जी यहाँ पे क्या है, जी हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, जी हमारा क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। यही संबंध हमें स्थापित करना था जो कि हम लोगों ने संबंध निकाल लिया, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप है या नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है, ठीक, हेडिंग डाल लो, हेडिंग क्या डालोगे, बल्क डेंसिटी आप लोगों की बुक में हो सकता है किसी बुक में बल्क डेंसिटी को सिर्फ उन्होंने गामा से उसने इंडिकेट किया हो, या बल्क यूनिट वेट, ठीक है, इसे बल्क डेंसिटी की जगह बल्क यूनिट वेट लिख लेना, बल्क यूनिट वेट, ठीक। किसी किसी की बुक में गामा बी लिखा होगा, किसी की बुक में गामा टी लिखा होगा, किसी की बुक में सिर्फ गामा होगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसे हम लोग गामा से या गामा बी से या गामा टी से किसी से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक, कॉमा वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट डब्लू कॉमा स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैपिटल जी एंड वाइड रेशियो ई में संबंध, ठीक। अब हम लोगों को करना क्या है, ये हम लोगों की हेडिंग है, ये हेडिंग डाल लो कि बल्क यूनिट वेट, ठीक, बल्क यूनिट वेट जिसकी हिंदी क्या होती है, स्थूल घनत्व, ठीक, जिसको हम लोग गामा बी गामा टी से इंडिकेट करते हैं, वाटर कंटेंट जिसकी हिंदी क्या होती है, जलांश, स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स विशिष्ट गुरुत्व, वाइड रेशियो मीन्स रिक्तता अनुपात में संबंध हमें स्थापित करना है, ठीक, गामा बी डब्लू जी और ई के बीच में हमें संबंध स्थापित करना है। ध्यान दो यहाँ पे हमारी हेडिंग क्या है, गामा बी डब्लू जी और ई के बीच में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक। जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो लिख लो यहाँ पे, बल्क यूनिट वेट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बल्क यूनिट वेट को हम लोग बोलते हैं स्थूल घनत्व, स्थूल घनत्व,
ओके, वाटर कंटेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लिख लो जलांश, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व, वाइड रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तता अनुपात। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार से भी लिखा हुआ आ सकता है कि स्थूल घनत्व, जलांश, विशिष्ट गुरुत्व तथा रिक्तता अनुपात के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है या इससे हमारा न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं जो कि पढ़ चुके हैं, बट आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतने बड़े संबंध हम लोग कैसे स्थापित कर लेंगे। ठीक, ये इनकी बीच में रिलेशनशिप हम लोग कैसे यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे। तो अभी हम लोगों ने संबंध पढ़ा हुआ था, कौन सा संबंध पढ़ा हुआ है देखो यहाँ पे जरा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था घनत्व बराबर, घनत्व मीन्स डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है सर, ये हम लोगों ने फार्मूला तो पढ़ा हुआ है, द्रव्यमान को हम लोग m से इंडिकेट करते हैं और आयतन को हम लोग v से इंडिकेट करते हैं। ठीक, और जो डेंसिटी है, डेंसिटी को हम लोग रो से इंडिकेट करते हैं। ठीक है सर, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। दूसरा हम लोगों ने फार्मूला एक और पढ़ा हुआ था, कौन सा फार्मूला पढ़ा हुआ था, यूनिट वेट का, यानी एकांक, जैसे अब यहाँ पे घनत्व लिखा हुआ है तो घनत्व को हम लोग स्थूल घनत्व भी बोल सकते हैं। यदि उसने सिर्फ घनत्व बोला है, सिर्फ डेंसिटी बोला है, तो इसको हम लोग स्थूल घनत्व या बल्क डेंसिटी भी बोल सकते हैं, इतना ध्यान देना। यदि उसने उसके आगे ड्राई या सैचुरेशन कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है, ओनली बल्क बोला है, तो बल्क को या ओनली डेंसिटी बोला है, तो उसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारी बल्क डेंसिटी ही है। मैं लास्ट क्लास से आपको बताते हुए चला आ रहा हूँ कि बल्क मीन्स क्या होता है, जो सॉयल नेचुरल कंडीशन में पाई जाती है, ठीक, उस सॉयल की प्रॉपर्टी। यदि बल्क डेंसिटी पूछ रहा है, तो बल्क डेंसिटी का मतलब हमारा क्या हुआ, तो जो सॉयल नेचुरल कंडीशन में है, मीन्स अर्थ से जैसे प्राप्त की जा रही है, उस कंडीशन में उसकी डेंसिटी बल्क डेंसिटी कहलाएगी। ठीक, या उस कंडीशन में उसका यूनिट वेट बल्क यूनिट वेट कहलाएगा। हम लोगों ने एक और फार्मूला पढ़ा हुआ था, कौन सा फार्मूला पढ़ा हुआ था, तो वो भी देख लो, गामा बी। अब मैं यहाँ पे बल्क के लिए यहाँ पे गामा बी से इंडिकेट कर रहा हूँ, गामा बी बराबर, ठीक, यहाँ पे हमारा क्या था, जब हम लोग दोनों तरफ यहाँ पे डब्ल्यू जी और जी का मल्टीप्लाई करवाते थे, ठीक, इधर भी मैंने यहाँ पे जी का मल्टीप्लाई करवा दिया, तब ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता था, ये कन्वर्ट हो गया हमारा गामा बी में। ठीक, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ठीक, इतना हमारा आ गया, तो ये हमारा फार्मूला किसका बन गया, ये बन गया यहाँ पे बल्क यूनिट वेट का, ये फार्मूला हमारा बन गया बल्क यूनिट वेट का फार्मूला। ठीक, आप लोगों को ज्यादा फार्मूला नहीं याद करना है, सिर्फ ओनली बेसिक से फार्मूले हैं, और इन्हीं बेसिक से फार्मूलों का यूज करके आप लोग आसानी से पूरा टॉपिक अपना कवर कर सकते हैं। ठीक है सर, हम लोग ये फार्मूला तो जानते हैं कि गामा बी बराबर डब्ल्यू अपॉन वी, तो जरा देख लो इसी फार्मूले का अब हम लोग यूज करेंगे, और इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग प्रूव करेंगे कि उनके बीच में संबंध कैसे निकलता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, गामा बी बराबर डब्ल्यू अपॉन वी। ठीक, अब जरा यहाँ पे साइड में आप लोग भी ऐसे बना लो और लिखते जाओ, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी लिखो जो मैं बता रहा हूँ, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, कि W मीन्स कैपिटल W इक्वल टू कैपिटल W इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस WS। सर ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, बिल्कुल ये आप लोगों को मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया हुआ था कि जो हमारा टोटल वेट होगा
टोटल वेट होगा, तो टोटल वेट किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉलिड के बराबर होगा, सॉरी जो हमारा टोटल वेट होगा तो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड सॉलिड के बराबर होगा। ओके सर, तो यहां से हमारा ये निकला है। प्लस एक और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, टोटल वॉल्यूम भी इसी के कुछ के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो टोटल वॉल्यूम हमारा बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर के। जी सर, ये भी आपने हमें बताया हुआ था कि जो कैपिटल वी होगा वो वी एस और वी के बराबर होगा। जरा ध्यान दो, अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है गामा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन वी, इनको क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल सर, इनको हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, चेंज करने वाले हैं। जब इनको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू की जगह हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस। ठीक, नीचे कैपिटल वी की जगह हम लोग क्या कर देंगे, कैपिटल वी की जगह हम लोग यहाँ पे कर देंगे वी एस प्लस वीवी। ओके सर, ये तो हम लोगों ने कर दी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमें थोड़ा सा अपना आई क्यू लेवल बढ़ाना है। जब हमें आई क्यू लेवल बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाले से क्या करेंगे डब्ल्यू एस को कॉमन कर लेंगे और नीचे वाले से हम लोग क्या करेंगे वी एस का कॉमन कर लेंगे। कैसे कॉमन करेंगे, देखो जब ऊपर वाले टर्म से हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू एस को कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, अंदर अंदर बनेगा डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस प्लस वन, बन गया। देखो इस वाली स्टेप से जो यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस था, इससे हम लोगों ने क्या किया, डब्ल्यू एस को कॉमन किया। ठीक, जब हम किसी चीज का कॉमन करते हैं और वहां पे नहीं होता, जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू के पास डब्ल्यू एस नहीं था तो उसके अपॉन में हो जाता है। ठीक, और आगे वाले टर्म पे डब्ल्यू एस था तो जब हमने उसको कॉमन किया तो वन आ गया। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस से जब हम लोग डब्ल्यू एस को कॉमन करेंगे तो डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस प्लस वन आ गया। इसी प्रकार से जब नीचे वाले टर्म से हम लोग वी एस को कॉमन करेंगे तो हमारे वी एस को कॉमन करने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, वन प्लस वी वी अपॉन वी एस। ओके सर, ये बन गया। अब जरा यहाँ पे देखिए कि इनमें जो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले बन के आए हुए हैं, यानी डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस या वी वी अपॉन वी एस, ये क्या किसी का फॉर्मूला होता है क्या? ठीक, यहाँ पे ये चीज और ये, क्या ये किसी के फॉर्मूले होते हैं क्या? बिल्कुल सर, ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। किसके फॉर्मूले होते हैं? ठीक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस, ये हमारा किसके बराबर था, ये हमारा डब्ल्यू के बराबर था, मीन्स वाटर कॉन्टेंट के बराबर। वहीं पर जो वी वी अपॉन वी एस था, ये किसके बराबर था? सर ये ई के बराबर था। जब ये हमारा डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस मीन्स वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ये हमारा किसके बराबर होता है, वाटर कॉन्टेंट के बराबर होता है, और वेट वॉल्यूम ऑफ वाइट्स और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड ये हमारा किसके बराबर होता है, वाइट रेशियो के बराबर होता है। जब ये दोनों हमें फार्मूला आगे मालूम है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी संबंध में इन फार्मूले को पुट कर देंगे, जो यहाँ से हमारा बन के आया हुआ फार्मूला इनको यहाँ पुट कर देंगे। जब जरा यहाँ पुट करेंगे तो ध्यान देना, ऊपर यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, ऊपर इधर पे हमारा बन रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस, ठीक, इसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ पे नीचे हमारा क्या बन रहा है, वी वी अपॉन वी एस बन रहा है, तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई को पुट कर देंगे। ओके, इसकी जगह हम लोग यहाँ पे ई को पुट कर देंगे। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, फिर देखो हमारा कितना बन के आया, क्या था, गामा बी बराबर, ठीक, ऊपर कितना था, डब्ल्यू एस कॉमन है, डब्ल्यू एस ब्रैकेट में क्या हो गया, ये फॉर्मूला हमारा किसका बन रहा था, डब्ल्यू का बन रहा था, यानी डब्ल्यू प्लस वन, ठीक, तो इसे कर दो वन प्लस डब्ल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, डब्ल्यू प्लस वन है या वन प्लस डब्ल्यू हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नीचे वाले से देखो, नीचे हमारा वी एस कॉमन है और क्या बना, वी एस ब्रैकेट में वन प्लस ई बन जाएगा, वी एस ब्रैकेट में क्या बन गया, वन प्लस ई बन गया। अब सर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे
WS अपॉन VS और 1 प्लस W अपॉन 1 प्लस E, इतना तो बना लिया सर। ठीक है, बना लिया, अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं जरा, हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या जानते हैं, लिखो ठीक फिर दोबारा से, कि चूंकि कैपिटल जी यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर गामा एस अपॉन गामा डब्लू, बिल्कुल सर हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं कि कैपिटल जी बराबर गामा एस अपॉन गामा डब्लू होता है, बिल्कुल सर। जरा यहाँ से गामा एस की वैल्यू निकाल लो, तो हमारी गामा एस की वैल्यू क्या निकाल आएगी, गामा एस बराबर बराबर जी गामा डब्लू। ओके सर, ये तो इस कहीं हमारा कुछ संबंध दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, ना तो हमारा गामा एस है और ना ही गामा डब्लू, तो आप पुट कहाँ करेंगे। देखो हम लोग ये फार्मूला, ये वैल्यू कहाँ पे रखने वाले हैं वो चीज देखो। ठीक, अभी मैंने आपको बताया हुआ था, क्या बताया हुआ था, जस्ट जरा थोड़ी देर पहले यहाँ पे नजर डालो, मैंने एक फार्मूला बताया हुआ था यूनिट वेट का फार्मूला। ठीक, क्या फार्मूला था, गामा एस बराबर डब्ल्यू एस अपॉन वी एस, मैंने अभी यहाँ पे ये फार्मूला आपको बताया हुआ है, डब्ल्यू एस अपॉन वी एस हमारा किसके बराबर है, गामा एस के बराबर है। देखो यहाँ पे मैंने जिसको ब्रैकेट में बंद किया हुआ है इस फार्मूले को, ये फार्मूला हमारा क्या है, गामा एस बराबर डब्ल्यू एस अपॉन वी एस। ठीक, और जरा इधर पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या बना है, यहाँ भी सेम इसी प्रकार से डब्ल्यू एस अपॉन वी एस बना हुआ है। जब ये डब्ल्यू एस अपॉन वी एस बना हुआ है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग गामा एस कर सकते हैं, गामा एस ऊपर क्या हो जाएगा, वन प्लस डब्ल्यू बटे वन प्लस ई। ठीक, किसके बराबर था, ये फॉर्मूला है हमारा गामा बी के बराबर। ओके सर, इतना तो हो गया। ठीक, अब जरा यहाँ से गामा एस की वैल्यू इसको यहाँ पे क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक, गामा एस बराबर हम लोगों ने अभी क्या निकाला हुआ, जी गामा डब्ल्यू निकाला हुआ है, गामा एस बराबर हम लोगों ने जी गामा डब्ल्यू निकाला हुआ है। वैल्यू यहाँ पे चेंज करो तो क्या हो जाएगा, गामा बी बराबर जी गामा डब्ल्यू ब्रैकेट में वन प्लस डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई। ये जो फार्मूला, ये जो संबंध निकल के आया, यही चीज हमें प्रूव करनी थी। हमने हेडिंग क्या डाली हुई थी, गामा बी मींस बल्क डेंसिटी, सॉरी बल्क यूनिट वेट, ई वाइड रेशियो, डब्ल्यू वाटर कंटेंट, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बीच में संबंध स्थापित कीजिए, और ये हमारा संबंध यहाँ पे निकल आया। तो यहाँ पे लिख लो, जहां पे गामा बी क्या है, बल्क यूनिट वेट, एक गामा डब्लू क्या है, देख लो यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर। एक जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मींस विशिष्ट गुरुत्व, हिंदी वाले भी साथ में लिखते जाएं। ठीक, W क्या है, वाटर कंटेंट मतलब जलांश, ठीक E क्या है, वाइड रेशियो। ठीक, यही संबंध हमें निकालना था, जो कि हम लोगों ने क्या कर दिया, ये संबंध यहां से स्थापित कर लिया। ये हमारा किसके किसके बीच में संबंध था, या डायरेक्टली इनसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, इनसे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ये क्या करता है, वो W की वैल्यू दे देता है आपको और वाइड रेशियो E की वैल्यू दे देता है, प्लस स्पेसिफिक ग्रेविटी जो तुम्हारा कैपिटल G है इसकी वैल्यू दे देगा। अब तुमसे पूछेगा कि बेटा जरा इस, अब इस पे बल्क यूनिट वेट की गणना कीजिए, या बल्क यूनिट वेट निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत वहां पर फार्मूला यूज करेंगे
कि गामा बी बराबर जी गामा डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई, ठीक, तुरंत हम लोग यहां से ये निकाल देंगे। अब इन्हीं के आगे कुछ हमारे फार्मूले और होते हैं, जैसे ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला था हमारा बल्क यूनिट वेट का, ये था बल्क यूनिट वेट, ठीक, ये फार्मूला हमारा बल्क यूनिट वेट का है। यदि अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ड्राई यूनिट वेट, ठीक, या जैसे बल्क यूनिट वेट हमारा हो गया, ऐसे ड्राई यूनिट वेट, ऐसे सैचुरेटेड यूनिट, सैचुरेशन यूनिट वेट, उनके भी फार्मूले निकालेंगे। यानी अभी हम लोगों ने फार्मूला यहाँ पे किसका निकाला हुआ है, गामा बी का निकाला हुआ है, अब हमें फार्मूला किसका निकालना है, इसी प्रकार से कुछ गामा डी का हमें फार्मूला चाहिए और इसी प्रकार से कुछ हमें गामा सैचुरेटेड का फार्मूला चाहिए, गामा सैचुरेशन का फार्मूला चाहिए। यानी हमें दो संबंध और निकालने हैं। तो कुछ लोग अब यहाँ पे डर रहे होंगे, सर आपने ये वाला संबंध ही इतना बड़ा बता दिया है कि अब यदि इनको और निकालेंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बेटा डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इसलिए आवश्यकता नहीं है कि हमें सिर्फ एक संबंध इस प्रकार से ये निकाल लेना है गामा बी का, और गामा बी के बाद जब भी हम लोग गामा डी या गामा सैचुरेशन निकालेंगे बहुत आसानी से निकल आएंगे। कैसे निकल आएंगे देखो जरा यहाँ पे कि हम लोग कैसे आसानी से निकाल लेंगे। हम लोगों ने अभी संबंध क्या निकाला, गामा बी बराबर जी गामा डब्लू ब्रैकेट में हमारा क्या है वन प्लस डब्लू अपॉन वन प्लस ई, हम लोगों ने ये संबंध पढ़ लिया। हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है यहाँ पे गामा डी का फार्मूला, हमें निकालना है गामा डी का फार्मूला मीन्स ड्राई यूनिट वेट। यहाँ पे लिख लो यहाँ पे कि गामा डी हमारा यहाँ पे क्या है, गामा डी बराबर शुष्क एकांक भार, शुष्क एकांक भार मीन्स ड्राई यूनिट वेट, शुष्क एकांक भार या ड्राई यूनिट वेट। अब हम लोग जानते हैं कि सर आपने बल्क का फार्मूला तो हमें अभी निकाला हुआ था या अभी हमें आपने प्रूव करवाया हुआ है कि गामा बी का फार्मूला ये होता है, बट अब हम लोगों को क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है गामा डी का फार्मूला क्या होगा, यानी इसी रूप में गामा डी का फार्मूला क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जब हमें ड्राई निकालना होता है, ड्राई मीन शुष्क, और जहां पे शुष्क आ जाता है, जहां पे शुष्क आ जाए या ड्राई आ जाए, तो ड्राई के मीन्स क्या है, शुष्क, और शुष्क का मतलब क्या कि पानी वहां पे क्या होगा, जीरो होगा। बस इतना याद रखना है कि जहां पे हम बात किसी कर रहे हैं, शुष्क की बात कर रहे हूं, शुष्क की बात है तो मतलब वहां पे हमारा वाटर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। जब हम लोग ड्राई की बात करेंगे, ड्राई की बात पे मतलब जब हमारी ड्राई कंडीशन होगी, ड्राई कंडीशन पे हमारा वाटर क्या होगा, वाटर बिल्कुल जीरो होगा। अब जरा जो फार्मूला हमने निकाला हुआ था, इसी फार्मूले पे डब्ल्यू को क्या कर दो, जीरो कर दो। जब डब्ल्यू को यहाँ जीरो कर दोगे, क्यों हमें डब्ल्यू जीरो किया, क्योंकि हम लोगों को निकालना है ड्राई यूनिट वेट, हमें ड्राई यूनिट वेट चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डब्ल्यू को जीरो कर दिया, ठीक है सर, डब्ल्यू को जीरो कर दो। जरा डब्ल्यू को जीरो करने के बाद अब फार्मूला बनाओ, क्या बनेगा, अब फार्मूला हमारा बन गया जी गामा डब्ल्यू, अब अंदर वाला तो हमारा जीरो हो गया, बचा वन, वन में मल्टीप्लाई करवाएंगे सेम आ जाएगा, अपान वन प्लस ई। जो ये संबंध आपका निकल के आ गया, यही हमें प्रूव करना था, यही चीज हमें प्रूव करना था, ये हमारा क्या है, ड्राई यूनिट वेट, लिख लो ड्राई यूनिट वेट, यही संबंध हमें स्थापित करना था, जो कि हमने स्थापित कर दिया। सिर्फ हम लोग कितना जानते हैं, हम यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने W बराबर जीरो किया है, तो लिख लेना यहाँ पे, हम जानते हैं कि शुष्क में क्या होता है, W बराबर जीरो होता है। बस सिर्फ इतना आपको ये पॉइंट वहां पे मेंशन करना है कि वी नो दैट इन ड्राइंग कंडीशन
we know that in drying condition water content W is equal to zero. So we can say that gamma T is equal to G gamma W upon 1 plus E. ठीक, आप लोग कितना जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि जहां पे शुष्क कंडीशन होती है उस शुष्क कंडीशन में, जहां पे हमारी शुष्क कंडीशन होती है, ड्राई कंडीशन होती है, उस ड्राई कंडीशन में जो हमारा वाटर कंटेंट होता है, मीन जलांश होता है, जलांश क्या होता है, जीरो होता है। जब जलांश हमारा वहां पे जीरो है तो उस कंडीशन में डब्ल्यू बराबर हम लोग जीरो पुट कर देंगे। देखो मैंने वहां पर वही डब्ल्यू बराबर जीरो किया हुआ है। जब मैंने W बराबर जीरो कर दिया तो मेरा एक नया फार्मूला बन के आ गया। नया फार्मूला हमारा क्या आया, गामा डी बराबर जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई। ठीक, ये हमारा किसका फार्मूला है, गामा डी का। अब सर आपने कुछ इसी प्रकार से एक और बताया हुआ था कि हमें गामा सैचुरेशन के वाला का भी फार्मूला पढ़ना है। ओके, तो देख लेते हैं कि हमें किसका फार्मूला चाहिए, गामा सैचुरेशन का। हमें गामा सैचुरेशन का भी फार्मूला चाहिए। ठीक है सर, हम लोग इसको भी निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखो बस सिर्फ हमें एक फार्मूला जो बल्क वाला फार्मूला है वो फार्मूला मालूम होना चाहिए। उस फार्मूले की हेल्प से हम लोग जितने भी फार्मूले हैं इस टॉपिक में अब सब आसानी से ड्राई कर लेंगे, मतलब सब आसानी से ड्राइव कर लेंगे। कैसे, हम लोग जानते हैं गामा बी बराबर जी गामा डब्ल्यू ब्रैकेट में वन प्लस डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई। ओके सर, ये वाला फार्मूला तो हम लोग जानते हैं। आगे देखो, जरा इसमें जी का अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। जब जी का हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इसी फार्मूले से गामा बी बराबर गामा डब्ल्यू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, जी प्लस जी डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई। ओके सर, आपने बोला कि अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक, हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि फार्मूला कौन सा बना। देखो यहाँ पे कि फार्मूला ये कौन सा बन गया। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, लिख लो यहाँ पे, वी नो दैट, सब कुछ हम ही लोग जानते हैं। ठीक, एग्जामिनर कुछ भी नहीं जानता है। आप इसके सामने लिखेंगे तो आपको उसे बताना पड़ेगा कि हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, कि ई इंटू एस बराबर डब्ल्यू इंटू जी। बिल्कुल सर, अभी हम लोगों ने ये संबंध भी स्थापित किया हुआ है कि E इंटू एस बराबर डब्ल्यू जी। तो जरा ये बताइए बेटा कि हम डब्ल्यू जी की जगह ई एस रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, डब्ल्यू जी आ रहा है और इधर भी डब्ल्यू जी है, तो डब्ल्यू जी की जगह हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एस रख देंगे। ठीक, एस क्यों रखेंगे, क्योंकि हम लोग उसे सैचुरेशन में चेंज कर रहे हैं। जब सैचुरेशन में चेंज कर रहे हैं, मीन संतृप्त में चेंज कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग ऐसा करेंगे। जो यहाँ पे गामा बी है, गामा बी भी कन्वर्ट होके गामा सैचुरेशन बन जाएगा, यानी गामा सैचुरेशन इक्वल टू गामा डब्ल्यू ब्रैकेट में जी प्लस एस ई अपॉन वन प्लस ई। ये आपका एक नया फार्मूला, ये नया संबंध स्थापित हो गया। आपसे पूछेगा कि उस सैचुरेशन यूनिट वेट है, सैचुरेशन यूनिट वेट का फार्मूला बताइए। ठीक, हो सकता है ये डायरेक्ट आपको फार्मूला दे दे, अब बोले कि आपसे कि इसको प्रूव करो, क्या इन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल दे दे, या आपको एस की वैल्यू दे दे, ई की वैल्यू दे दे, गामा डब्ल्यू की वैल्यू दे दे। ठीक, अब पूछे कि आप लोग क्या करें, गामा सैचुरेशन की वैल्यू बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत इस फार्मूले को वहां से यूज करेंगे और निकाल लेंगे। या हो सकता है गामा सैचुरेशन की वैल्यू आपको दे दे, जी की वैल्यू दे दे, एस की दे दे, गामा डब्ल्यू दे दे, और अब आपसे पूछ ले कि बेटा ई की वैल्यू फाइंड करो, मींस वाइड रेशियो की वैल्यू फाइंड करो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले की हेल्प से वहां से ऐसे ये फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे जितने भी टर्म है ये सभी टर्म हम लोग जानते हैं, बस सिर्फ एक अननोन टर्म है, तो उसके बारे में लिख लो कि गामा सैचुरेशन इक्वल टू क्या है, ये संतृप्त संतृप्त एकांक भार, संतृप्त एकांक भार। ठीक,
या सैचुरेटेड यूनिट वेट, इंग्लिश वाले लिख लेना सैचुरेटेड, सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक। इसी में से कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि बेटा ये तो आपने बता दिया कि सैचुरेशन जब हमारी मिट्टी क्या है, बल्क कंडीशन है, ये सैचुरेशन कंडीशन है। सैचुरेशन का मतलब क्या है कि हो सकता है जो पानी की मात्रा हो 5%, 10%, 15%, 20%, बट सॉइल हमारी फुली सैचुरेटेड कब होगी? तो अब हमें क्या निकालना है, फुली सैचुरेटेड यानी फुली सैचुरेशन की कंडीशन में जब हमारी फुली सैचुरेशन की कंडीशन होगी तो उस समय हम लोग इसका फॉर्मूला क्या निकालेंगे। जब फुली सैचुरेशन होगी मतलब पूर्णतः संतृप्त होगी मृदा, क्या होगी, पूर्णतः संतृप्त होगी, ठीक। तो उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, तो देखो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, ई इंटू एस बराबर डब्लू इंटू जी, ठीक। जब आपसे बोल रहा है कि मृदा कैसी है, फुली सैचुरेटेड है, मृदा की कंडीशन कैसी है, फुली सैचुरेटेड है, इसके मतलब क्या हुआ, फुली सैचुरेशन की कंडीशन में एस बराबर हम लोग 100% लेते हैं, एस बराबर 100% लेते हैं, मतलब एस की वैल्यू को 1 कंसीडर करते हैं, 1 का मतलब 100% हुआ। अब जरा इसी पे एस की वैल्यू को 1 कंसीडर करो तो हमारा क्या बन के आ गया, ई इंटू 1 बराबर डब्लू इंटू जी, ठीक। तो ई बराबर हमारा क्या बन गया, डब्लू सी बन गया, ठीक। तो एक तो हमारा संबंध आपका ये निकल आया, जब हमें ई और डब्लू जी में संबंध निकालना तो एक हमारा संबंध इस प्रकार से निकल आया। बट दूसरा यदि आपसे पूछ रहा है कि बेटा जो हमारा यूनिट वेट है यानी फुली सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक, अब जरा इसकी वैल्यू बताइए कि ये वैल्यू कितनी होगी, यानी गामा, इसको भी गामा सैचुरेशन ही लिखे रहो लेकिन ये हमारा कौन सा फुली वाला है, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू देख लो, हम लोगों ने अभी फार्मूला किसका निकाला हुआ है, गामा सैचुरेशन का जो फार्मूला यहाँ पे निकाला हुआ था, फार्मूला क्या था, गामा डब्लू जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई, अभी हम लोगों ने ये फार्मूला निकाला हुआ था, गामा सैचुरेशन इक्वल टू गामा डब्लू जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई, यही फार्मूला सेम यहाँ पे लिखो, ठीक, गामा डब्लू ब्रैकेट में जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई, ओके सर, ये तो आपने फार्मूला बताया हुआ था, लेकिन बेटा जब यहाँ पे फुली सैचुरेशन की कंडीशन है, बस यदि उसने फुली वर्ड लगाया हुआ है तो फुली वर्ड में अभी मैंने क्या बताया हुआ था कि यहाँ पे हमारा जो एस हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा, एस हमारा 100% हो जाएगा, जब एस हमारा 100% हो जाएगा मतलब एस बराबर 1 हो जाएगा, तो यही एस बराबर यहाँ पे क्या कर दोगे, 1 रख दोगे, जब एस की वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, गामा सैचुरेशन, या इसको गामा सैचुरेशन पूरा ना लिख के गामा एस अकेले कर लो, गामा एस बराबर गामा डब्लू जी प्लस ई अपान 1 प्लस ई, ये आपका एक नया फॉर्मूला और बन के तैयार हो गया। इससे आपका एक नया फॉर्मूला और बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा गामा एस है, ये गामा एस क्या है, फुली सैचुरेटेड यूनिट वेट, मतलब पूर्णतः संतृप्त एकांक भार, पूर्णतः संतृप्त एकांक भार, क्या है, गामा एस है, और गामा डब्लू क्या है, जल का यूनिट वेट, मींस यूनिट वेट ऑफ वाटर, कैपिटल जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और ई क्या है, वाइड रेशियो है। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर गामा डब्लू की जो वैल्यू है, गामा डब्लू की वैल्यू हम लोग कितनी कितनी करते हैं, गामा वैल्यू की वैल्यू जो हम लोग कंसीडर करते हैं कितनी लेते हैं। अच्छा बताइए, जो हम लोग यूनिट वेट ऑफ वाटर मींस रो डब्लू कितना लेते हैं, या गामा डब्लू कितना लेते हैं, ठीक,
ये वैल्यू आप लोगों को, या इनमें अंतर क्या है, किस में नाइन, कब हम लोग 9.8 रखेंगे, ठीक, कब लोग हम लोग 0.98 रखेंगे, कब हम लोग यहाँ पे 10 रखेंगे, कब यहाँ पॉइंट, कब यहाँ पे हम लोग 1 अकेले रखेंगे, ठीक, कब कौन सी कंडीशन करेंगे, ठीक, कब यहाँ पे हम लोग 1000 रखते हैं, कब क्या करते हैं, ये सब चीज आपको देखना है। तो आप लोगों का यही एक होमवर्क है कि आप लोगों को क्या करना है, पढ़ के आना है कि सर इनकी वैल्यू क्या क्या होती है, कहाँ कब हम लोग कौन सी वैल्यू को कंसीडर करते हैं, ठीक, कब हम लोग कंसीडर करेंगे। उनका होमवर्क है कि आप लोगों को यही चीज पढ़ना है, हम लोग कब कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो अब बताइए, यहाँ पे मैंने जो अभी आपको बताया, इसमें से आपको यदि किसी भी टॉपिक पे कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकता है। अभी जितना मैंने आप लोगों को बताया इस टॉपिक में, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है आप रिस्पॉन्स दीजिए। मैंने यहाँ पे आपको आज बहुत सारे रिलेशनशिप बताए हुए हैं, इसमें से ई एस डब्ल्यू जी में रिलेशनशिप, गामा बी का पूरा फॉर्मूला और गामा बी के साथ रिलेशनशिप, जी का, ई का, डब्ल्यू का, प्लस इसी प्रकार से गामा सैचुरेशन का, गामा ड्राई का, गामा डी का, ठीक, एक आपका रह गया गामा बी। गामा बी और गामा डी का जो रिलेशनशिप है ये आप लोगों को खुद करना है, ठीक, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। कितना होमवर्क हो गया, गामा बी क्या संबंध होता है, ये संबंध आप लोगों को खुद स्थापित करना है, ठीक। और इसके बाद रो डब्ल्यू की वैल्यू, ये गामा डब्ल्यू की वैल्यू हम लोग कितनी कितनी कंसीडर करते हैं, कब कौन सी कंडीशन आ जाए तो उसको चेंज करते हैं। प्लस अभी मैं जितने भी यूनिट वेट बता रहा था या डेंसिटी बता रहा था, इनकी यूनिट क्या होती है। तो अच्छा ये बताइए आप लोग, जो घनत्व होता है, घनत्व की यूनिट क्या होती है, मीन्स डेंसिटी की यूनिट क्या होती है। घनत्व या डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, सर सीजीएस में ग्राम अपॉन सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और एमकेएस में किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब होती है। ओके, आपने यूनिट बता दी, बट जो यहाँ पे गामा डब्ल्यू की वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं, कब कितनी रखते हैं, क्या इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? नो सर। किसी को और किसी कुछ आइडिया है? इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं, जबकि देखना आप लोगों के जो अभी तक के न्यूमेरिकल आए हुए हैं, मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल आते हैं आपके इसी टॉपिक से आते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वह कभी वाइड रेशियो पूछ लेगा, कभी पोरोसिटी पूछ लेगा, कभी ड्राई डेंसिटी पूछ लेगा, कभी बल्क यूनिट वेट पूछ लेगा, कभी ड्राई यूनिट वेट पूछ लेगा, कभी गामा सैचुरेशन पूछ लेगा। मैक्सिमम जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं सिर्फ इसी टॉपिक से आ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा न्यूमेरिकली पोर्शन यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के यहाँ फॉर्मूले ड्राइव करवा रहा हूँ। और यदि आप लोग इनको 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आप लोग खुद देखेंगे कि कोई भी फार्मूला इतना टफ नहीं है कि हम लोग जिसको ना कर पाए। सभी फार्मूले एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कोई भी फार्मूला आप लोग पढ़िए, ठीक, जितने भी फार्मूले हैं सब हमारे फार्मूले एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सिर्फ हमने यहाँ पे जो सीखा, सिर्फ गिनती के 3-4 फार्मूले सीखे, एक ई का, दूसरा एन का और तीसरा गामा का, ठीक, वाटर कंटेंट का, एसआर का, यही 4-5 फॉर्मूले में से पूरे टॉपिक के डेरिवेशन होंगे। बस उनका कब कहां कैसे यूज करना है, कहां वर्ग, कहां ऐड करना है, कहां लेस करना है, कहां डिवाइड करना है, कहां मल्टीप्लाई करवाना है, ये सब आप लोगों पे डिपेंड करता है। जब आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि सर हमें मालूम नहीं पड़ता कि कहां हम लोग ऐड करें, या हमें मालूम नहीं कि कहां हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं। आप लोगों को तभी मालूम होगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को ये मालूम नहीं पड़ेगा।
ओके तो बता दीजिए अभी आज के लेक्चर में किसी कोई क्वेरी से कुछ पूछना हो तो हम बता दूं, वरना फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे अपना एंड करते हैं आज का सेशन, और नेक्स्ट क्लास के बारे में जैसा भी होगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों की जो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम 11, 12, 13, 14 या मैक्सिमम 15, इससे ज़्यादा नहीं पहुँचते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता इस चीज़ का। ठीक